नमस्ते दोस्तों, हमारे फासुमा किचन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम बनाएंगे नूडल्स। नूडल्स जिसमें हम कोई सब्जी यूज़ नहीं करेंगे, और किसी प्रकार का जो होता है इसमें जो डालते हैं कुछ वो कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे हम। इसमें एकदम सादे, सरल और घरेलू नुस्खे से हम इसे बनाएंगे। क्यों, देखिए दोस्तों, इसमें हम एकदम सादे मसाले यूज़ कर रहे हैं जिसे हर कोई बना सकता है। कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा नूडल्स बनाने में। इस तरह के हम इसमें मसाले यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं जो इस तरह का मसाला मिलता है हर प्रकार के दुकान में, ये अवेलेबल है। राइस मसाला, ये शेजवान का, ये हम इसमें यूज़ करेंगे। और हम इसमें 2 टमाटो केचप डालेंगे, और थोड़ा सा नमक यूज़ करेंगे, और थोड़ा ऑयल यूज़ करेंगे। बस इन 4 ही चीज़ों से हम बनाएंगे बहुत ही अच्छी मज़ेदार नूडल्स। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ एक भगोने में पानी गर्म करने रखा है। आप देखेंगे हमारा पानी कितनी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, इसमें पूरी भाप निकल रही है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, 1 बड़ा चम्मच हम इसमें ऑयल डालेंगे। देख सकते हैं आप, ये हम इसलिए डालेंगे कि नूडल्स जो है ये पानी में चिपके ना एक दूसरे को। अब हम इसमें नूडल्स डालेंगे। ये देखिए, नूडल्स को अलग अलग होने के लिए हम इसमें ऑयल डालेंगे, और जो नमक हमने डाला है उस नमक से पानी का जो स्वाद है वो नमकीन हो जाएगा, और नूडल्स का जो स्वाद है वो भी इसमें मिलके नमकीन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने गर्म पानी में नूडल्स डाल दिए हैं। अब हम इसे ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे 5 मिनट तक के लिए। तो देखिए दोस्तों, 5 से 7 मिनट में हमारे इस तरह से जो नूडल्स है वो खुल चुके हैं। इसमें ऑयल डालने की वजह से ये एक दूसरे से नहीं चिटक रहे हैं बीच में। देखिए, अब हम इसे थोड़ा सा देख लेंगे कि ये पक चुके हैं क्या, इसकी क्वालिटी कैसी है। तो आप देख सकते हैं बहुत गर्म है ये। देखिए, ये पक चुके हैं अच्छी तरह से। हम इसे बहुत पकाना नहीं है क्योंकि हम इसे ऑयल में भी फ्राई करेंगे, इसलिए अब हम इसे एक छन्नी वाले बर्तन में निकाल लेंगे। दूर से रखना। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हम इसे एक जाली वाले बर्तन में निकाल लेंगे, तो जिससे क्या हो कि इसका जो पानी है वो नीचे चला जाए, और ये जो हमारे जो नूडल्स है वो यहीं पर रह जाए। आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे नूडल्स लंबे लंबे हो चुके हैं, देखिए, और एकदम से खुले खुले हैं ये। देखिए दोस्तों, अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे। ऑयल हमें थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना है यहाँ पर। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, और हमने इसमें पहले ही नमक लगा लिया था, तो अब हम मैगी को कढ़ाई में डाल देंगे। नूडल्स को इसमें डाल देंगे, और इसे इस तरह से हलाएंगे। आप देख सकते हैं हमें इसे इस तरह से ऊपर उठा कर ही हलाना है, और हमें स्लो फ्लेम पे ही इसे बनाना है। तो हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। अभी जो हमारा ये जो शेजवान वाला मसाला है, हम इसमें थोड़ा कर डालेंगे। नमक तो हमने थोड़ा लगा लिया था, और इस मसाले में नमक, मिर्ची जो होता है सब कुछ होता है। अगर आप और तीखा खाना चाहते हैं तो आप अपने आपके हिसाब अनुसार डाल सकते हैं इसमें। और इसमें मैं थोड़ा डालूँगी 2 टोमेटो केचप के जो छोटे पैकेट होते हैं, ये 2 ही डालूँगी। आप चाहे तो ज़्यादा डाल सकते हैं, इससे इसका जो खट्टापन है ये ज़्यादा बढ़ जाएगा।
अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे इसे। इसे मिलाने में हमें थोड़ी तकलीफ होगी क्योंकि हमारे पास जो है इसके जो कांटे वाटे होते हैं ये नहीं होते हैं हमारे घर में अवेलेबल। अगर आपके पास है तो आपको आसानी होगी। देखिए दोस्तों इस तरह से हम इसे मिला लेंगे, थोड़ा सा तकलीफ़ से मिलाएंगे पर मिलाएंगे ज़रूर। और दोस्तों बिना जो है चिली सॉस और जो जो सॉस डालते हैं इसमें, ये सब चीज़ों के बिना ही हम नूडल्स खा सकते हैं और हमारे जो परिवार को ये बनाकर खिला सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आप चाहे तो इसमें सब्जियों का यूज़ कर सकते हैं पर मैंने एकदम सादी रेसिपी बनाई है इसलिए मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है। अगली बार मैं आपको सब्जियों के साथ इससे बताऊंगी और सभी चीज़ें डालकर। देखिए थोड़ा सी मुश्किल हमें हो चुकी है पर ये हमारा जो है मसाला इसमें अच्छी तरह से मिल चुका है। देख सकते हैं आप कितनी सुंदर हमारी नूडल्स लग रही है दोस्तों, और ये बिल्कुल लंबी लंबी है, ये टूटी नहीं है। इसे हमने हलाया इस तरह है कि ये टूटे ना। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमारा जो ये नूडल्स है आपको मैं आपको बताऊंगी। देखिए हमारे जो नूडल्स है ये कितनी अच्छी तरह से बनकर तैयार है। तो मैं इसे एक डिश में सर्व करूंगी। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमारी जो नूडल्स है, सादी सिंपल नूडल्स जो हर कोई अपने घर में बना के खा सकता है, इस तरह की रेसिपी मैंने आज बनाई है। तो देखिए दोस्तों आप सभी लोग इसे बनाइए, खाइए और आपके पूरे परिवार को खिलाइए। और इस वीडियो को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।